करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते, आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हालेलुया गाते हुए आज हम यीशु राजा की स्तुति करें, क्योंकि यीशु आपने खुद से कहा है जॉन के सुसमाचार 18:37 में, मैं राजा हूँ, मैं इसलिए जन्मा हूँ, इसलिए संसार में आया हूँ। लेकिन फिर भी वो कहता है मैं इस संसार का राजा नहीं हूँ। तो प्रभु हमारा यीशु राजा का राज्य कहाँ है? यीशु हमारे जीवन का राजा है, वो हमारा दिल का राजा है, वो हमारे जीवन में राज्य करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन का अंधेरों को दूर करना चाहते हैं, हमारे जीवन का दुख को दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे जीवन में आने के लिए चाहते हैं। तो आइए हम विनम्रता से प्रभु की ओर आए और अपना जीवन का सभी समस्याओं को, आवश्यकताओं को, दुखों को प्रभु की ओर लेते हुए प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है परंतु नम्र लोगों को वो अनुग्रह प्रदान करता है। तो आइए हम प्रभु की हालेलुया गाकर स्तुति करें, क्योंकि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं हम प्रभु के निकट आते हैं और प्रभु हमारी दुहाई सुनते हैं। तो आइए हम हाथ उठाकर हालेलुया बोलकर प्रभु की स्तुति करें। राजाओं का राजा है यीशु मेरा, हर लेगा पल में वो दुख तेरा, नम्र दिल बन जाओ तुम सम्मुख आओ, नम्र दिल बन जाओ तुम सम्मुख आओ और हाथ उठा के कहो हालेलुया 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 हालेलुया। हम हाथ उठा कर गाए हालेलुया 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 हालेलुया। संत जॉन के सुसमाचार 14:1 में प्रभु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। आइए पूरे विश्वास और आशा के साथ प्रभु की स्तुति करें, वह हमारे जीवन को नया कर देगा, हमारे जीवन में आशा भर देगा। असंभव को संभव करने प्रभु को हम स्तुति करें, जो मुर्दों को जिलाया है प्रभु हमारे जीवन में भी एक नया जीवन ला देगा। संत मत्ती के सुसमाचार 19:26 में यीशु कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसी प्रभु जो असंभव को भी संभव करता है, उसी प्रभु को
महानता को बखान करते हुए हम और प्रभु की हालेलुया गाकर स्तुति करें। असंभव कार्यों को संभव है करता, मुर्दों में जान मेरा यीशु ही डालता। असंभव कामों को संभव है करता, मुर्दों में जान मेरा यीशु ही डालता। अलिया तुम बजाओ उन पे ध्यान लगाओ, अलिया तुम बजाओ उन पे ध्यान लगाओ, और हाथ उठा के कहो सुसमाचार में देखते हैं प्रभु अनेक लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करता है और लंगड़ों को चालने के लिए शक्ति देता है और गूंगों को बोलने के लिए सामर्थ्य देता है। उसी प्रभु के चरणों में हम आए हैं, हम विश्वास करें कि प्रभु के पास कुछ भी असंभव नहीं है। उसके वचनों में विश्वास करें क्योंकि उसके वचनों में है जीवन। जो कोई भी उसके वचनों में विश्वास किए उन्हें प्रभु जीवन दिया। तो प्रभु के वचनों को ध्यान करते हुए वही विश्वास से प्रभु की ओर देखते हुए पुनः हमारा हाथ बढ़ा के हालेलुया गाते हुए हम स्तुति करें। अंधों को फेर दिया, गूंगों को बोली, अंधों को यीशु ने आंखें हैं खोली। अंधों को फेर दिया, गूंगों को बोली, अंधों को यीशु ने आंखें हैं खोली। यीशु में खो जाओ वचन दिल में बसाओ, यीशु में खो जाओ वचन दिल में बसाओ, और हाथ उठा के कहो
प्रेज़ लॉर्ड। क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 14-15 से लेकर 25 तक के वचन। सात भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रित किया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा, आइए क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाने करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी और से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी और से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बतला दिया। तब घर के स्वामी ने क्रोध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों गलियों में जाकर कंगालों लूलों अंधों और लंगड़ों को यहां बुला लियाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। क्रिस्ट में प्यारे भाई और बहनों, कल भी हमने एक भोज के बारे में ही सुना था, आज भी उसी के अनुसार एक और भोज के बारे में हम सुन रहे हैं, जहां पर निमंत्रित लोग नहीं आ पाए और उसके बदले में किसी को भी अपने भोज में सम्मिलित करने के लिए स्वामी कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं सोच रहा था कि मैं क्या आप सबों के साथ में साझा करूं। तुरंत मेरे मन में एक ख्याल आया कि ईश्वर के राज्य में कभी पक्षपात नहीं होता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि भोज ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया था जो उसके लिए पहले से ही आमंत्रित था, पहले से भी उन्हें बुलाने की सूची बनाई गई थी और सूची में उनका नाम था और उन्हें बुलावा भेजा था, लेकिन ऐन वक्त पर वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए स्वामी किसी को भी अपने घर में आने का निमंत्रण देता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि शायद प्रभु इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में हमें कुछ कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि ईसाई धर्म कभी भी अनइक्वालिटी पर विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि वेस्ट में विशेष रूप से गोरे और काले लोगों के बीच में मतभेद था और उन्हें रंग भेद के द्वारा देखा जाता था और कभी कभी बाइबल भी इसका आधार माना जाता था, लेकिन एक सच्चे विश्वासी के लिए कोई भी व्यक्ति के बीच में मतभेद करना बहुत गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि एक ही कारण है कि हम सभी एक ही पिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इतना ही काफी है, भले हमारे बीच में अनेक डिफरेंस क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप ही और मैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति वही परमपिता का बेटे हैं, बेटियां हैं। यही हम सबको एक साथ जोड़ते हैं। भले हमारे रंग अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारे खाना अलग हो, हमारे पहने का कपड़ा अलग हो, इनके तमाम चीजों के बावजूद हम एक पल भी अगर इस बात को समझे कि हम सभी उसी परमपिता के पुत्र पुत्रियां हैं, बेटे बेटियां हैं, यही हम सबको एक साथ लाने में काफी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करता है कि हम ईश्वर के संतान हैं, मैं ईश्वर का संतान हूं, अगर मैं ईश्वर का संतान हूं, मुझे सुनने वाले आप में से प्रत्येक जन ईश्वर के संतान है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका रंग क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी भाषा क्या है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद हम उस पिता के संतान हैं। अगर हम उस पिता के संतान हैं तो हम आपस में रिश्तेदार भी है। यही एकमात्र चीज काफी है कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद हो सकता है, किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को एक साथ लाने के लिए। जब प्रभु के इन वचनों को मैं पढ़ रहा था, एकदम से मेरे मन में यही ख्याल आया कि एक ही ईश्वर है और हम सभी उनके संतान हैं, तो इस पर किसी भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं। पुरुष हो, स्त्री हो, हम भले के कोई भी भाषा बोले, हम किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर दे, हम सभी प्रभु के सामने एक है, क्योंकि वही हमारे पिता है और हम सभी उनके संतान हैं। Yesu aaja, Yesu aaja, Yesu aaja, Yesu aaja. Jeevan data, jeevan dene aaja, Mukti data, mukti dene aaja, Jeevan data, jeevan dene aaja. राता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 और 13 में वचन बताता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। Yes, Lord. जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। Amen. यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। Yes, Lord. आइए हम संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु को पुकारे। हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 40 में, जयरूस की बेटी जो मरने को थी, जयरूस प्रभु के पास आता है, यीशु के पास आता है और अनुनय विनय करता है और यीशु उसके घर में जाता है। और जो बेटी मरने को थी, प्रभु उसे एक शब्द कहता है और वह बेटी उठ बैठती है। आमीन। आज प्रभु हमारे जीवन में भी यही चमत्कार दोहराना चाहते हैं। इसके लिए हमें जयरूस के समान पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु को दुहाई देने की आवश्यकता है। आइए हम अपने संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु को पुकारे। प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास के साथ प्रभु को पुकारे। हाँ प्यारे प्रभु, हम वही विश्वास के साथ अंसिल जेम्स, रम्या, जॉर्डन और जैनिक को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस परिवार को अपनी करुणा की छत्र छाया से ढक ले। Blessings. इस परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। Amen. In your mighty name. इस परिवार के सभी सदस्यों को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे। Yes, Lord. हम समर्पित करते हुए मांगते हैं प्रभु पुष्पा भेंगरा को, जो अपने जीवन में अशांत है, दुख से ग्रस्तित है, निराशा भरे जीवन से पीड़ित है। प्रभु तू आ और उसके जीवन को अपने शांति से भर दे, उसके दुखों को हर ले।
Yes, Lord. हम मांगते हैं प्रभु मंजुला दुंगदुंग को समर्पित करते हुए उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष दीजिए। आमीन, आमीन। हम मांगते हैं मंजुला दुंगदुंग के समान उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए जिस समय हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं। हे युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, तू उनके लिए एक निर्धारित योजनाएं जानता है, एक आशामय भविष्य की योजनाएं जानता है प्रभु। अपनी योजना उनके जीवन में पूर्ण होने दे। हम मांगते हैं मरियम क्रिकेटा को समर्पित करते हुए पेट के दर्द, बीपी और अन्य शारीरिक रोगों से चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम मांगते हैं मरियम क्रिकेटा के समान पेट दर्द, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित होकर इस समय हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु। अपने पावन नाम के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान होने दीजिए। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरे नाम की दुहाई देते हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shiara kara bara dere bere diara bara dere 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 dere. Hallelujah. Changai data, changai dene aja. Swasth data, swasth dene aja. Changai data, changai dene aja. हे चंगाई दाता, हे स्वास्थ्य प्रदाता, तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तो मैं चंगा करता हूँ। इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं प्रभु अंतोनी जॉन परमार को समर्पित करते हुए, उसके परिवार के सभी सदस्यों को संपूर्ण शारीरिक रोगों से चंगाई दीजिए। अंतोनी जॉन परमार के परिवार को अपनी आशीषों से भर दे और उस परिवार को अपनी शांति, एकता, अखंडता के स्रोत्र में बांध दे। हम मांगते हैं प्रभु सिल्वी को समर्पित करते हुए उसके पढ़ाई में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ाई में कमजोर हैं प्रभु और दुख से घिरे हुए हैं। मैं अच्छी से पढ़ नहीं सकती ऐसे सोचने वाले उन सभी बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए हम मांगते हैं प्रभु। हम उन सभी भाई बहनों के लिए मांगते हैं जो कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं दुर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ। लेकिन जब हम दुर्बल हैं तभी तू हम में बलवान है प्यारे यीशु। हम मांगते हैं समीर कुल्लू को समर्पित करते हुए उसके मन को परिवर्तन कर प्रभु जी। यस, उसके अपने जिम्मेदारियों का एहसास दिला और प्रभु जी उसे अपने नौकरी में वापस लौटने की कृपा दे, आशीष दे। समीर कुल्लू के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं प्यारे प्रभु, और जो अपने नौकरी को ईमानदारी पूर्वक, अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक नहीं निभा पा रहे हैं। उन सभी भाई बहनों को अपनी करुणा की छत्र छाया में ढके रख, उनके मन को परिवर्तन कर। हम इन सभी अर्जियों के साथ साथ इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले सभी अविश्वासी विश्वासी भाई बहनों के विशेष अर्जियों के लिए मांगते हैं। हम मांगते हैं प्यारे यीशु हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचन की घोषणा करने के लिए प्रभु, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में, नौकरी में उन्हें सौ गुना बरकत दीजिए। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah,
शांति दाता शांति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।